हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में जो है ना हम सैमसंग B310E मॉडल्स के जो है ना नेटवर्क की प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसके नेटवर्क के कंपोनेंट किस तरीके से बोर्ड में डिज़ाइन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी आपको बैटरी कनेक्टर के यहाँ पर एक IC दिख रही होगी, वो एक चार्जिंग IC नेटवर्क की IC है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा जूम करके उसकी लाइनिंग दिखाता हूँ। देखिए, बोर्ड पे आपको लाइनिंग नज़र आ रही होगी। मेन IC से जो है ना नेटवर्क ICs के लिए ये सप्लाईज आती हैं, ये सप्लाई इस तरीके से होती है। देखिए, इसकी लाइनिंग नज़र आ रही है आपको। ये पूरी जो है सप्लाई इस तरीके से होती है। उसके बाद जो है देखेंगे आप, ये कॉइल्स लगे हुए होते हैं फ्रेंड। ये कंटिन्यूटी में अगर आप चेक करोगे तो आपको 009 जो है ना वहाँ पे शो करेगा, कंटिन्यूटी की रेंज पे रख के अगर आप चेक करते हो तो। तो उसके बाद जो है ना डायोड की रेंज पे चेक करना, ये लाइन इस तरीके से होती है। कभी कभी क्या है, यहाँ पे आपको 0.9 की रीडिंग आ रही है लेकिन के आगे जो है सप्लाई नहीं जाती तो कॉइल शॉर्ट होता है। अब कॉइल ख़राब होता है, ओपन हो जाता है कॉइल, तो आप कॉइल को वहाँ पर डायरेक्ट करके भी चेक कर सकते हो। उसके बाद जो देखेंगे हम, तो ये लाइनिंग आगे बढ़ती है, आपको वाइट और ब्राउन कलर्स का जो है ये भी कॉइल है। और इसमें भी देखिए आगे जाके ये जो है ना कैपेसिटर से फिल्टरेशन पे, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 353 रीडिंग्स, 350 के आसपास कॉल टेस्टिंग रीडिंग्स दिखाई देगी तो ओके है। और अगर इन प्रॉब्लम हो तो आप कैपेसिटर ग्राउंड हो रहा है चेक करना होता है कि कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है, तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे आती है। उसके अलावा देखिए, ये ब्लैक कलर की एक IC लगी हुई है, ये IC में भी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती है फ्रेंड। उसके बाद वहाँ पे क्रिस्टल लगा हुआ है, देखिए क्रिस्टल के दोनों क्रॉस कॉर्नर पे जो है ना, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्रॉस कॉर्नर पर जो है 535 ऑलमोस्ट रीडिंग आती है और दो क्रॉस कॉर्नर जो है वो ग्राउंड होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्रॉस कॉर्नर जो है ना ग्राउंड होंगे और जिस क्रॉस कॉर्नर पे आपको कॉल टेस्टिंग से रीडिंग चेक करनी है वहाँ पे ऑलमोस्ट 535 आएगी। अगर रीडिंग प्रॉपर है तो अब ये जो है ना यहाँ पे आपको लाइनिंग पे भी 0.9 रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब जो है ना कि ये ख़राब है। आप इसे फर्स्ट रिप्लेस करके चेक कीजिए। ये दोनों लाइनिंग पे अब ग्राउंड होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर की एक IC लगी हुई है ना, जहाँ पे मेन IC से सप्लाई आके नेटवर्क IC में जा रही है, तो वो लाइनिंग पे देखिए कॉइल दो लगे हुए हैं। ये कॉइल भी कभी कभी ख़राब होते हैं या कभी कभी वो ब्लैक कलर का जो IC लगा हुआ है वो ख़राब होता है। आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। अगर वो उस साइड में आपको 0.9 रीडिंग आ रही है और इस साइड नहीं आ रही है तो आपको वो रिप्लेस करना होगा। उसके बाद ये इनपुट करता है IC में, फिर IC की लाइन IC के अंदर जो है ना इंफ्रारेड होके वहाँ से जो है ना आउटपुट आता ही है। मैं आउटपुट की लाइन दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये सारे जो पॉइंट्स है ये ग्राउंड कर दिए गए हैं IC के इस साइड से, देखिए यहाँ पर, और वहाँ पे फिल्टरेशन कैपेसिटर को भी ग्राउंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो है ना जिस पॉइंट पे रीडिंग आनी चाहिए, अगर जो कंपोनेंट शॉर्ट होगा ना उस पॉइंट पे आपको रीडिंग नहीं आएगी। 0.9 जैसे छोटी रीडिंग होती है, कंटिन्यूटी रेंज बीप के साथ में आती है ये, तो आपको पूरा ध्यान दे के वहाँ पर चेक करना है रीडिंग को, पूरा चेक करके, क्योंकि ग्राउंड और दोनों ये रहते हैं। तो उसके बाद देखिए आउटपुट निकलता है IC से, फिर यहाँ पे होते हुए ये जो है ना इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे कॉइल्स की डिज़ाइनिंग होती है, फिल्टरेशन कैपेसिटर्स, तो कॉइल कभी कभी शॉर्ट और ख़राब हो जाता है, ओपन हो जाता है या फिर जो है ना कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा ये नेटवर्क एंटीना भी ज़्यादातर शॉर्ट होता है। अगर कस्टमर को कहीं रेंज नहीं आ रही है तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है नेटवर्क एंटीना की होती है। तो आप इस साइड से कॉइल का जंपर उठा के आर्टिफिशियल कॉइल बना सकते हैं, उसका वीडियो मैंने इससे पहले बनाया हुआ है, तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, आप वो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो देखिए यहाँ से
इस तरीके से जो है ना आउटपुट होता है, कभी कभी यहीं पे ग्राउंड हो जाता है वोल्टेज जो नेटवर्क आईसी से आता है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर्स और कॉइल्स लगे हुए हैं, कभी कभी ओपन होते हैं, सप्लाई आगे नहीं जाती जिसकी वजह से रेंज में प्रॉब्लम होती है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। ये कॉइल्स ग्राउंड कर देते हैं, यहाँ पे आपको रीडिंग भी आएगी फ्रेंड, बोथ साइड जो है ना 335 के ऑलमोस्ट रीडिंग आएगी। ये इंटरनल बोर्ड से डिज़ाइनिंग है पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप नेटवर्क की प्रॉब्लम को, इन चीज़ों को ध्यान में रख के रिजोल्यूशंस कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो नेटवर्क स्विच और वो छोटी वाली आईसी या नेटवर्क आईसीज की आती है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे और रीडिंग्स को प्रॉपर चेक करोगे तो आप नेटवर्क की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इससे पहले भी मैंने सेम नेटवर्क के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो भी चेक कर लीजिएगा, तो आपको पूरा श्योर हो जाएगा कि आप नेटवर्क प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाओगे या नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इन फ्यूचर आप हमारे वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे टेक्निकल्स वीडियोस अपलोड करता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग के, जिससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाओगे, ठीक है। थैंक यू।